तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज करते हैं और आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है, उस एप्लीकेशन का नाम है Mi Music। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर इस Mi Music प्लेयर को आप प्ले करते हैं, एक सॉन्ग को प्ले करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक सॉन्ग प्ले होने के बाद आपका जो म्यूजिक प्लेयर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, आप Mi Music एप्लीकेशन में जाते हैं, उसका क्लियर कैच क्लियर ऑल डाटा करते हैं, फिर भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्या आप यहाँ पर गलती करते हैं जिसके चलते ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास Redmi का डिवाइस है और आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलेगा। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद मोबाइल को जैसे आप यहाँ पे बंद करते हैं, बंद करने के बाद आप मोबाइल को जैसे यहाँ पे बंद कीजिएगा, ऑफ रहेगा, आपका यहाँ पे म्यूजिक प्ले होते रहेगा। आपने देखा होगा 5 मिनट के बाद आपका यहाँ पे क्या होता है कि म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, या एक सॉन्ग यहाँ पे प्ले होता है, दूसरा सॉन्ग आपको यहाँ पे सुनने को देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन में भी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ये यहाँ से चला जाता है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको जाना है 3 डॉट वाले ऑप्शन में। 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको ये देख लेना है कि अगर आपको यहाँ पे स्लीपर टाइम अगर ऑन किया हुआ रहेगा देन आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो बार बार अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर आपका इससे सॉर्ट आउट नहीं होता है देन आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद जैसे मान लीजिए ये म्यूजिक प्लेयर आपको यहाँ पे दिख रही होगी और अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्लीपर टाइम देखने को मिलेगा। तो ये स्लीपर टाइम आपको यहाँ पे देख लेना है कि सेट तो नहीं किया हुआ। अगर आपका यहाँ पे सेट किया हुआ रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट में सेट करके स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये मेरा म्यूजिक प्लेयर ऑफ हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ये समझ लेना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद एप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है और एप्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले तो इसका क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कंप्लीट कर लेना है और ये कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक प्लेयर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो भी परमिशन है उसको आपको यहाँ पे अलाउ कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा और जो भी परमिशन है वो आप यहाँ पे अलाउ कर दें। ये प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पे मेन काम आता है कि आपका जो म्यूजिक प्लेयर है ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है तो क्या आप यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को यहां पे ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहां पे कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं, अगर उस सेटिंग को अगर आप यहां पे इनेबल कर देते हैं देन आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे जाइएगा, जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बूस्ट स्पीड का। ये आप देख सकते हैं जो बूस्ट स्पीड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप नीचे में देखिए क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपका यहां पे 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट अगर सेट किया हुआ रहेगा तो होगा क्या कि जो भी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एप्लीकेशन का क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा करने पे वो एप्लीकेशन वहाँ पे बंद हो जाता है, फिर से आपको परमिशन देना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैच फाइल क्लियर होता है, तो इसको आपको नेवर पे सिलेक्ट कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको आपको यहाँ पे क्लियर कैच क्लियर ऑल डाटा करना है पर आपको म्यूजिक एप्लीकेशन का नहीं करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेट कर ले और यहाँ पे लॉक ऐप्स में जाना है और इसमें जाने के बाद जो म्यूजिक प्लेयर देखने को मिला इसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा तो ये एप्लीकेशन का क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा नहीं होगा और अगर आपको पूरा बंद करके रखना है तो आप यहाँ पे नेवर पे सेट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपका ये इनेबल फिर भी नहीं किया हुआ है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेवर में सेट किया हुआ है। उसके अलावा क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आपका यहाँ पे सेट किया हुआ है तो आप इसको नेवर पे सेट कर दें।
नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बैटरी सेवर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपका ये बैटरी सेवर वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया रहेगा तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे बैटरी सेवर यूज करते हैं तो जो भी सिस्टम एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता है, उसका क्लियर कैच यहाँ पे क्लियर हो जाता है और लॉक स्क्रीन में जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको बैटरी सेवर से भी मिल सकती है। अगर आपका इससे भी यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा एप्स बैटरी सेवर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जितने भी एप्लीकेशन है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अभी आप यहां पे देख सकते हैं दो एप्लीकेशन यहां पे दिख रहे हैं, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद शो सिस्टम एप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इस पे जाने के बाद आपको देख लेना है म्यूजिक प्लेयर कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये आपको म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड एप्स पे सेट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोज एप्स आफ्टर 10 मिनट ऑफ बैकग्राउंड एक्टिविटी। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड एप्लीकेशन यहाँ पे सेट किया रहेगा तो 10 मिनट के बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बैटरी सेवर को यूज कर सकते हैं या आप यहाँ पे नॉट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं और नॉट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाइएगा तो म्यूजिक एप्लीकेशन आपका यहाँ पे बंद नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बैटरी सेवर भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। तो ये प्रोसेस अगर दोस्तों आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो म्यूजिक प्लेयर में जो भी आपको ऑटोमेटिक ऑफ वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और 100% आपका यहाँ पे शॉर्ट आउट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।